श्रावण मास के पहले दिन ज्वालाजी में स्थित सभी शिवालय भोले के जयकारों से गूंज उठे। मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस मौके पर ज्वालाजी के साथ लगते अष्टभुजा मंदिर, शनिदेव मंदिर स्थित शिवालय, हनुमान गली में स्थित शिवालय सहित अन्य मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना में भाग लिया। भोले के भक्तों ने दूध जल बेल तुरा व बेल पत्रों से शिव की पूजा आराधना की। इस बीच भक्तों ने भोले के नाम का व्रत भी रखा। इधर मंदिर प्रशासन की ओर से भी शिवालयों को फूलों से सजाया गया था, साथ ही भक्तों की सहूलियत के लिए हिसाब से यहां इंतजाम किए हुए थे। मंदिर में पुजारी अभिनंदन शर्मा व पुजारी संदीप शर्मा छोटेलाल ने विशेष पूजा अर्चना की। ज्वालाजी के लाल शिवालय में अगले सोमवार यानी 29 जुलाई को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। मंदिर के पुजारी अभिनंदन शर्मा व पुजारी संदीप शर्मा छोटेलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर में आयोजित होने वाला ये 52वां भंडारा होगा। उन्होंने बताया कि भंडारे के साथ यहां कार्तिक महादेव की मूर्ति स्थापित की जाएगी, साथ ही सावन महीने की संक्रांति से शुरू हुआ महाशिव पुराण कथा का समापन 29 जुलाई को किया जाएगा और एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने लोगों से इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की बात कही। पुजारी के अनुसार श्रावण मास शिव भोले शंकर का मास है। ये सावन महीने भोले शंकर को अति प्रिय हैं। इस महीने में प्रकृति अपने पूरे यौवन पर होती है और हर तरफ हरियाली होती है। सबसे ज्यादा प्रकृति को प्यार करने वाले भोलेनाथ आज सावन महीने का पहला सोमवार है। इस मास में रुद्र का पाठ, शिव तांडव पाठ आदि से शिव की उपासना करनी चाहिए। इस मास में शिव जी को बिलपत्र चढ़ाने से भी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शिव की मूर्ति के सामने ओम नमो शिवाय का जाप करना चाहिए, जबकि शिवलिंग के पास ओम का जाप का विशेष महत्व है। श्रावण मास में सोमवार के उपवास करने से भी सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कुछ लोगों के लिए स्वच्छता से बढ़कर चंद रुपए हो जाते हैं। ऐसे लोग कभी भी समाज के लिए सही उदाहरण नहीं बन पाते। कुछ ऐसी ही हरकतें कर रहे हैं सन्याड़ी गांव के कुछ लोग। यहां गांव शहर के बिल्कुल साथ सटा हुआ है। शहर के साथ सटा होने के कारण नगर परिषद मंडी ने यहां पर भी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन स्कीम चला रखी है। गाँव के अधिकतर परिवार इस स्कीम के तहत हर महीने 100 रुपया अदा करते हैं। इन परिवारों के घर से नगर परिषद के कर्मचारी खुद कूड़ा उठाकर ले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो 100 रुपए बचाने के चक्कर में अपने घर से निकालने वाले कूड़ा सड़क किनारे खुले में फेंक रहे हैं। कूड़ा गांव के मुहाने पर सुनसान सड़क के किनारे फेंका जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि यहां एक देवस्थल भी है, लोग उसकी भी परवाह किए बिना यहाँ खुले में कूड़ा फेंकने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। स्थानीय निवासी डॉक्टर जीवानंद चौहान ने बताया कि कुछ लोगों के कारण गांव में गंदगी का आलम फैलता जा रहा है, जिसके कारण बीमारियां फैलने का अंदेशा भी बना हुआ है। उन्होंने नगर परिषद व प्रशासन से इस ओर विशेष ध्यान देने की गुहार लगाई है। वहीं जब इस बारे में नगर परिषद मंडी की अध्यक्षता सुमंत ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो लोग खुले में कूड़ा फेंक रहे हैं उनके खिलाफ जल्द ही कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिस स्थान पर कूड़ा फेंका जा रहा है वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। जो भी कैमरे में कूड़ा फेंकते हुए नजर आया उसे 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने सन्याड़ी गांव के लोगों से स्वच्छता के क्षेत्र में नगर परिषद को सहयोग करने की अपील भी की। एकल अभियान के अंतर्गत भाग नूरपुर के अंचल नगरोटा सूर्या का 5 दिवसीय अंचल दक्षता वर्ग गांव ट्यूकली में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष सुरेश गुलेरिया ने की। उद्घाटन समारोह में अंचल उपाध्यक्ष दिनेश निखिल, सुनीता देवी, अंचल आरोग्य प्रभारी व अन्य सदस्य उपस्थित रहे। 5 दिन के इस वर्ग में 25 शिक्षार्थी व इस वर्ग में एकल की 5 गतिविधियों जैसे प्राथमिक शिक्षा, आरोग्य ग्रामोत्थान, स्वाभिमान जागरण और संस्कार शिक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। सुरेश गुलेरिया ने एकल अभियान की जानकारी दी और एकल अभियान द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में
वही कार्यक्रम में मौजूद ग्राम पंचायत सिद्धपुर गार की प्रधान परमजीत मनकोटिया ने बताया कि एकल अभियान के कार्यकर्ता बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। कार्यकर्ता गांव गांव में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उनके द्वारा किए गए कार्य प्रशंसनीय योग्य है। सोलन में अखिल भारतीय किसान सभा ने बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तवर ने की। इस मौके पर किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। हिमाचल किसान सभा की आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर भी विचार विमर्श किया गया। उनकी मांग यह है कि उन्हें सब्जियों का न्यूनतम मूल्य मिलना चाहिए, वही टमाटर पर आधारित उद्योग भी सोलन में स्थापित होना चाहिए। लेकिन कृषि मंत्री और एपीएमसी ने जो वायदे सोलन के किसानों के साथ किए थे, वे उन पर खरा नहीं उतर रहे हैं, इसलिए वे जल्द ही इसको लेकर किसानों की महापंचायत करने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तवर ने बताया कि शिमला, सिरमौर और सोलन के किसानों ने बैठक का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि सोलन में मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन ने कुछ दिन पहले यहां पर बैठक का आयोजन किया था। उसमें किसानों का आश्वासन दिया गया था कि सोलन में टमाटर क्रेट नहीं बल्कि वेट के हिसाब से बिकेगा। इसके अलावा भी बहुत से मुद्दों पर चर्चा की गई थी। उन्होंने किसानों से 28 जुलाई तक का समय मांगा था, लेकिन ये प्रतीत होता है कि वे किसानों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके चलते किसानों ने निर्णय लिया कि वे 2 अगस्त को सोलन में किसानों की महापंचायत करेंगे और उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए इस पर निर्णय लेंगे।